मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक हैं। अब ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है ना कि हमें आज पता चल जाए कि हमारा कौन कौन सा हक है, ताकि हम दुनिया में अदा करें और क़यामत के दिन फिर इसका जवाब देने में हमें आसान नहीं हो। मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक हैं। मैं पहला हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि उसको सलाम का जवाब दिया जाए। दूसरा, वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए, उसके जनाजे में हाजिर हुआ जाए, जनाजा पढ़ा जाए उसका। अगर एक मुसलमान बंदे मोमिन बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए, और जब किसी मुसलमान को छींक आए और वो उस पर अल्हम्द कहे तो उस पर उसको जवाब दिया जाए।